नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपनी आवाज चैनल पर। दोस्तों, हमारी बात चली है संस्कृत व्याकरण और उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा प्रत्यय। यहाँ पे आपको 15-20 मिनट 25 मिनट का वीडियो मिलेगा लास्ट, और उसमें एकदम सरल तरीके से जो भी टॉपिक हो आराम से समझाया जाएगा। उसके बाद वही टॉपिक आपको बुक से तैयार करना है, एकदम समझ में आएगा, कभी भी कन्फ्यूज नहीं होगे। इसलिए ये वीडियो देखने के बाद आपको बुक से भी वो टॉपिक तैयार करना है। इससे पहले हमने बहुत से टॉपिक, महेश्वर सूत्र जो हमारा नया टॉपिक जुड़ा है, उन सभी की संधि, समास, उपसर्ग, धातु, धातुरूप, शब्दरूप सभी की बात आराम से कर चुके हैं। पीछे की वीडियो सभी आपने नहीं देखे, पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो ऊपर आए बटन में, पहले कमेंट में और लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी जगह लिंक दिया हुआ है, वहाँ से संस्कृत प्लेलिस्ट है वो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं तवेत अन्य प्रत्यय। तवेत अन्यर से संबंधित आपके जितने भी कन्फ्यूज है यहाँ पे दूर होने वाले, एकदम सरल तरीका तवेत अन्यर, और उसके बाद एक प्रत्यय ले लेंगे जो भी हमारा बचा है। एकदम सरल तरीका, कभी भी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। आराम से देखना, उसके बाद बुक से भी वो वीडियो तैयार करना, साथ में जो जो तीन या चार बातें मैं लिखाऊँ वो आपको बुक में नोट करनी है, आपके जो भी नोटबुक है उसमें। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। रीड से संबंधित सभी जानकारियां, सभी आपकी जो भी कन्फ्यूज है किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए, कितने महीनों में, अगर तीन अब 100 दिन बचे हैं तो मैंने वीडियो उपलब्ध कराया कि 100 दिनों में हमारी तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए, परिवर्तन, सिलेबस परिवर्तन के बाद हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, वो सभी वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और इस परिवार का सदस्य बने। देखते हैं तवेत अन्यर प्रत्यय। दोस्तों, तवेत और अन्यर जो प्रत्यय है यह आपके हमेशा क्रमवाच्य और भाववाच्य में, क्रमवाच्य और भाववाच्य जो होता है उसमें प्रयुक्त होता है, कर्तृवाच्य में ये प्रयुक्त नहीं होता है, पहली बात तो ये। और ये दोनों प्रत्यय चाहिए अर्थ में होता है, किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, चाहिए अर्थ में। ठीक है, जो विधिलिंग लकार होता है चाहिए अर्थ में, उसमें यह तवेत और अन्यर प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद इसका शेष क्या रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसकी पहचान किससे करें, कोई शब्द आ जाए तवेत प्रत्यय जुड़ा हुआ और परीक्षा में सीधा पूछ ले कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो अभी पहचान भी जरूरी है। और ऐसे पूछ ले कि किसी धातु प्लस तवेत तो क्या हो, इसका शेष क्या रहेगा तवेत प्रत्यय का, तो वो हमें जानकारी होनी चाहिए हलंतिम सूत्र से। हलंतिम सूत्र वो छोड़िए, अंत में जो हलंत दी हुई है उसका हमें लोप करना है, और तवेत का तो शेष रहता है तवे, क्या शेष रहता है तवे, और अन्यर का शेष रहता है अन्य। ये तो बात हो गई पुलिंग की, क्या बात होगी पुलिंग की, ये तीनों लिंग में चलते हैं, और स्त्रीलिंग की पूछे तो हो जाएगा तव्या, तव्य, तव्या, और पुलिंग हो जाएगा तव्यम। ठीक है, पुलिंग अन्य है, स्त्रीलिंग हो जाएगा अनिया, और नपुंसकलिंग अनियम। ठीक है, इस प्रकार से इनके शेष रहते हैं। तो किसी भी शब्द के पठितव्य, पठनीय, इस प्रकार से जो तव्य अन्य जो जुड़े हुए शब्द हैं सभी में तव्यत और अन्यर प्रत्यय होता है, पहली बात तो होगी पहचान की। अब इसमें विशेष बातें कि अंत में ये यदि आ हो तो क्या चेंजिंग होगा, ए हो तो क्या चेंजिंग होगा, तो तीन या चार बातें हैं वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। उसके अलावा तव्यत और अन्यर में कोई भी कन्फ्यूज नहीं रहेगा। तव्यत और अन्यर इन दोनों में यदि एक बात ये ध्यान रखनी है, पहली बात कि आकारांत धातु, आकारांत धातु का आपको मैंने पहले भी बताया था, पीछे के वीडियो में बताया था, एक बार और देख लेना। आकारांत का मतलब होता है जिसके अंत में, जिस धातु के अंत में आ हो, जैसे ग्या, ग्या में किस प्रकार जुड़ा है ये ग्या, ग्या धन आ, इस प्रकार से है तो क्या हो गया ग्या। ठीक है, तो जिसके अंत में आ हो उसे कहते हैं आकारांत, जिसके अंत में ए हो तो उसे कहते हैं अकारांत, ई हो तो इकारांत। ठीक है, ये बात है। तो आकारांत जितनी भी धातुएं हैं उसके साथ में यदि तव्यत और अन्यर प्रत्यय जुड़ाना हो, जोड़ना हो, या किस प्रकार से ये शब्द बनता है तव्य जोड़ने पर, अन्य जोड़ने पर, तो आपको सीधी सी बात याद रखनी, कुछ भी नहीं करना। आकारांत धातु, आकारांत धातु हो तो आपको तव्यत जोड़ना है, तो उसका जो तव्यत का शेष क्या रहता है तव्य और अन्यर का अन्य। ये तो बात होगी पुलिंग, तव्या तव्यम, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, अनिया अनियम, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये बात होगी। तो पुलिंग का पूछे तो क्या करना है, सीधा क्या हमें तव्यत क्या शेष रहता है, तव्य शेष रहता है, तो इस ज्ञा के केवल ये तव्य जोड़ना है, ज्ञातव्य, कुछ भी चेंज नहीं करना, ज्ञातव्य, ज्ञातव्य, ज्ञातव्यम, पुलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अन्य जोड़ना है तो इसका शेष क्या रहता है, अन्य तो हो जाएगा ज्ञानीय,
अब इसका जो अनियम अ है वो तो इसमें अपने आप जुड़ जाएगा, आ और अ मिलकर आ हो जाएगा दीर्घ संधि, ये कोई ज्यादा बात नहीं है। ज्ञा, ज्ञा में क्या है आ, और अनिय का क्या है अ है, आ और अ मिलकर आ हो जाएगा और वापिस ज्ञा का ज्ञा ही रह जाएगा, वो इसमें मिल जाएगा, वो कोई ज्यादा बात नहीं। ज्ञानीय, ज्ञानिया, ज्ञानियम, इस प्रकार से हो जाएगा। चेंज इसमें कुछ भी नहीं करना आगे वाले में, जैसा है उसमें तो शेष रहता है वो जोड़ना है केवल तव्य तो रनियर का, ठीक है। दा का पूछ ले, दा में यदि तव्य जोड़ना है, तव्य प्रत्यय जोड़ना है दा में, तो क्या करना है हमें, तव्य क्या शेष रहता है तव्य तो दातव्य, ठीक है। अगर दातव्य, दातव्य, दातव्यम, वो बात तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग वो चलती रहेगी। अनियर जोड़ना है तो क्या करना है हमें, दार अनिय है, मतलब वो उसमें ए जुड़ गया, ठीक है, दानीय है। तो पा का पूछे, यदि अकारांत देखो सभी है ना, तो पातव्य और इसका पानीय है। इस्ता, तो इस्तातव्य क्या हो जाएगा, इस्तातव्य और स्थानीय, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। केवल कुछ भी जोड़ना, ये जो शेष रहता है वो उसमें केवल जोड़ना है। तो ये तो बात हो गई अकारांत धातुओं की। तव्यत और अनियर का अगला नियम ले लेते हैं, अगला एक उदाहरण ले लेते हैं। यदि अकारांत धातुएं हो, ऐ बड़ी क्या होगा, अकारांत जितनी भी धातुएं हैं ऊपर दो मात्रा वाली, ठीक है ना, वो यदि हो तो क्या चेंज होगा, क्या हमें ध्यान रखना है। दोस्तों मैं यहाँ पर उदाहरण थोड़े बता रहा हूँ, आपको उदाहरण बुक में से तैयार करने हैं, यहाँ पर केवल समझाने का आपको प्रयास किया जा रहा है। जैसे अकारांत आ जाए, गई आ गई धातु, कौन सी धातु आ गई, गई, गई में तव्यत या अनियर जोड़ना है, तो ये आपको पता है तव्यत का शेष क्या रहता है, तव्य और अनियर का अनिय है। मैं अब इसके रूप नहीं बताऊंगा, तव्य तव्या तव्यम अनिय अनिया अनियम, वो आप अपने आप एक का बता दो या दस का बता दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे देखिए, अगर अकारांत आ जाए तो आपको क्या करना है, ऐ की जगह आपको आ कर देना है, ऐ की जगह क्या कर देना है, आ कर देना है, और जो शेष रहता है वो जोड़ना है, कुछ भी नहीं करना। यदि गई आ गया तो गई कैसे बना, गए आई, और तव्यत का कैसे रहा तव्य, ठीक है। तो इस ऐ के स्थान पे क्या करना है, आ जोड़ना है, तो गए और ऐ की जगह क्या, कौन सी मात्रा लगा दी, आ की मात्रा लगा दी और गातव्य, इसी प्रकार से हो जाएगा। ऐ की जगह आ करना है तो हो जाएगा गा, और इसमें कैसे रहता है अनिय, तो ऐ तो जुड़ गया इसमें ही, आ और ऐ मिलकर आ हो जाएगा और गानीय है। इस प्रकार से केवल कुछ भी चेंज नहीं करना, ऐ की जगह आ करना है और है वैसा का वैसा रखना है, और जो शेष रहता है वो पीछे जोड़ना है, ये बात होगी तव्य तनियर। एक उदाहरण और देख लेते हैं, धैय, धैय पढ़ते हैं, सॉरी धैय उदाहरण जो धातु है उसमें ऐ की जगह आ करना है, कुछ भी नहीं करना, ये कर दिया आ, और तव्यत का क्या रहेगा, हमने कह दिया दातव्य बिंदु, ध्यान देने योग्य बात जो बातें हैं दातव्य, ठीक है। अन्य जोड़ना है तो ध्यानीय, इसके रूप हो जाएंगे ध्यानीय, दानिया, ध्यानियम, तो इस प्रकार से वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग वो सब चलते रहेंगे। तो बात ये ध्यान रखनी है आपको, यदि अकारांत जितनी भी धातुएं हैं और उसके साथ तव्यत या अनियर प्रत्यय जोड़ना है तो ऐ के स्थान पर हमें आ करना है, ये बात हो गई ऐ की। तव्यत और अनियर, इनमें जो अगला नियम है, अगला बदलाव हो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से आदेश होता है, वो यहाँ पे देखिए। हमने बात कर ली अकारांत और अकारांत हो तो क्या परिवर्तन होता है, वो देख लिया। अब यदि इकारांत जो भी धातु हो, उकारांत और री, ई छोटा हो या बड़ा हो, ऊ और री, ये हो तो हमें क्या करना है, इनके स्थान पर हमें गुण आदेश करना है। गुण आदेश का मतलब आपको पता है, गुण संधि कहाँ होती है, ई ई के स्थान पर ए होता है, ऊ के स्थान पर ओ होता है, और री के स्थान पर अर होता है, ये गुण संधि है। उसी प्रकार गुण आदेश करना है। अब जैसे जितव्य, जी धन तव्यत, जी धन तव्यत, ये परीक्षा में पूछते तो क्या करना है हमें, यदि ई आया छोटा है तो भी ए करना है, बड़ा आया तो भी ई ए करना है, ठीक है। छोटा आ गया तो हमें क्या करना है, जे किया, ई की जगह ए की मात्रा लगा दी, और शेष क्या रहता है तव्यत का, तव्य है, जे तव्य, जे तव्य है, जे तव्या, जे तव्यम, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, संस्कृत व्याकरण का एक नियम है, आपको हर जगह सतर्क रहना है, कहीं पर भी कोई भी संधि जहाँ पे होती है, कहीं पर भी कोई भी प्रत्यय जुड़ सकता है, प्रत्यय जुड़ने पर कहाँ पर संधि होती है वो भी आपको ध्यान रखना है। बीच में इतनी संधियां जुड़ेगी प्रत्यय उपसर्ग में, वो आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है, क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा गलतियां करने की संभावना हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संधि का नियम भी लागू होगा, कैसे, बात करते हैं। यदि अनियर प्रत्यय जोड़ते हैं और इकारांत हो तो हमें इका ए करना है, तो जैसे हमने कर दिया जे, और अनियर का शेष क्या रहता है, अनिय है, जे धन अनिय। अब यहाँ पे आपको याद
आना चाहिए इस समय कि यहाँ पे अब कौन सा नियम संधि का लागू होता है। एकरांत एक के बाद में यदि स्वर आए तो ए का क्या होगा, ए अयादि संधि होगी। एक का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक का ए, ऐ का आय, ओ का होगा अव और औ का आव, ये संधि होती है यदि में। तो यहाँ पे देखिए एक के स्थान पर एक के बाद यदि स्वर आ गया तो एक के स्थान पर क्या होगा, ए होगा, तो हमें कर देना है ए। जैसे ये जय अकेला रह गया, ए निकाल लिया। अब इस एक की जो मात्रा है यहाँ पे, इस एक के स्थान पे क्या होगा, ए होगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक के स्थान पर ए लिख दिया। अब आगे इस अन्य का कैसे रहेगा, अन्य है ठीक है। अब इसको जोड़ो, जय को पूरा लिखा, इस ए में मिला दिया जय, तो हो गया अपना जय, जय पूरा हो गया। यह आता है अभी तक आई जो बनता है उसमें यह आदा रहता है, तो यह आदा है इसमें आगे वाला ए मिलाकर यह पूरा कर दिया, और इसमें आगे वाला जो बचा है वो यहाँ पे लिख दिया है जयनीय है। इकरांत जितनी भी धातुएं होती है, उकरांत जितनी भी धातुएं होती है, उसमें यदि कोई भी स्वर वाले प्रत्यय जुड़ते हैं, इकरांत में स्वर वाला प्रत्यय जुड़ा अनियर ठीक है, जहां पर भी जुड़ते हैं वहां पर आपको क्या करना है, अयादि संधि करनी है। उकरांत में हमें क्या करना है, अव करना है, और इसमें अय करना है, जयनीय होगा। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं, श्रुदंतव्यत, श्रुदन तव्यत, तो इसका क्या करना है, सीधा सा यहाँ पर तो गुण जो गुण संधि करनी है, शुरू का कर दिया स्रो और तव्य, ये तो इजी है। लेकिन यहाँ पे आगे स्वर आ जाता है तो यहाँ पर अयादि संधि भी हो जाती है। शुरू का पहले हमने स्रो किया गुण संधि करके, यहाँ पे क्या करना है, ई ई उ ऊ और ये तो गुण संधि करनी है, तो ऊ का क्या हो जाएगा, ओ कर दिया। आगे क्या बचा, अनिय, अनिय का क्या रहेगा, अनिय। अब यहाँ पे ओ के बाद में आ गया तो अयादि संधि होगी, और रूप क्या बन जाएगा, ओ के स्थान पर क्या होगा, अव होगा, क्या होगा, अव होगा, तो हम कर देते हैं श्रय, श्रय आधा है, और आगे ओ के स्थान पर हो गया अव हो गया और अनिय ठीक है। तो इसको जोड़ने पर क्या बनेगा, श्रादा इसमें ए मिला दिया तो श्रय पूरा हो जाएगा, श्रय वह आधा इसमें आगे वाला ए मिलाया तो वह पूरा। और अब यहाँ पे विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, श्रय के अंदर क्या है, स और रय, इस प्रकार से बना श्रय। तो जहाँ पर संधि से पहले यहाँ पे प्लस से पहले र आ जाता है, मैंने पहले भी बताया था री र और स, ये तीन जहाँ पर पहले आ जाते हैं तो न के स्थान पर न हो जाता है, न के स्थान पर न हो जाता है, उस न का हो जाएगा न और सर्वणीय है, इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है ई ई उ ऊ और ये हो तो गुण करना है, और यदि आगे स्वर आ जाए तो इस गुण वाले का आगे अयादि संधि भी करनी है। इसी प्रकार यदि री आ जाइए, हमने री का उदाहरण एक और देख लेते हैं, इसके बाद आपको बुक से तैयार करना है ठीक है। तो हम री वाला देख लेते हैं, जैसे अजय हरी, हरी यानी चुराना, तो इसमें किस प्रकार से बना है और री, यही बना है हरी ठीक है। हरी धन तव्यत अजय, तो क्या करना है हमें, सीधी सुबह से री के स्थान पर क्या करना है, अर करना है, क्या करना है आता है अभी तक, और री के स्थान पर कर दिया हमने अरे, गुण संधि में अरी होता है और आगे वाला तव्यत का तव्य शेष रह गया। तो है में तो आगे वाला ए मिलाकर है पूरा कर दिया ठीक है, और इस रह में अब तक आगे जुड़ेगा नहीं, तो इस रह जो आधा है तो उसको रह को ऊपर कर देते हैं, हर्तव्य क्या हो जाएगा, हर्तव्य। इसी प्रकार हरी के बाद में यदि, हरी के बाद में यदि क्या पूछ ले, अनिय प्रत्यय जोड़ लिया, क्या जुड़ा जाए, अनियर, तो क्या करना है, तो भी बात यही है री का गुण करना है ठीक है। तो हमने री का यहाँ पे गुण कर दिया है और री के स्थान पर अर कर दिया, अब आगे क्या बचा, अनियर का अनिय है। अब इनको जोड़ेंगे तो है में ए मिला दिया, है पूरा हो गया, र में आगे वाला ए मिला दिया तो र पूरा हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए र आ गया पहले ठीक है, तो न का क्या हो जाएगा, न हो जाएगा और नी के स्थान पर हो जाएगा अणी और हरणीय, इस प्रकार से शब्द बनेगा। तो बात यह है ई ई ऊ री के बाद यदि तव्यत और अनियर पूछे तो इसका गुण करना है, वो आपको अयादि संधि भी विशेष रूप से ध्यान देनी है। तो ये बातें आपको साथ साथ नोट करते जाना है। अगली बात जो है विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा दिमाग को एक जगह एकाग्र होकर ध्यान दे लेना। दोस्तों हमने पीछे के प्रति में बात कर ली, उपधा कहते किसे हैं, इधर से जो सेकेंड लास्ट जो स्वर होता है जो भी हो, नाम हो, जैसे जैसे नम धातु आ जाए तो नम बना कैसे, न ए और मैं, इसमें यही है, तीन ही स्वर हैं, तीन ही वर्ण हैं, दो व्यंजन है एक स्वर है ठीक है, तीन वर्ण हैं। तो इसमें जो सेकेंड लास्ट इधर से होता है, सेकेंड लास्ट कौन सा है, ए, इधर से दो नंबर वाला होता है, वो होता है उपधा ठीक है। तो उपधा में यदि
जो भी गुण वाले आए उसको गुणादेश करना है। गुण में कौन कौन से आते हैं, ई ऊ और री, इनके बाद में यदि ए आ हो तो क्या करना है हमें, गुणादेश। तो यहाँ पे जो भी उपदा में ई ऊ और री हो तो उसका गुणादेश करना है। ई का क्या होगा, ए, ऊ का ओ और री का अर होगा, ये क्लियर है। उपदा में गुण हो, उपदा में हमें गुणादेश करना है कैसे, लिक आ जाए, लिक धन तव्यत, लिक धन यदि तव्यत का पूछे तो क्या करना है, ली का क्या करना है, ले, गुणादेश कर दिया। और तव्यत यदि हम जोड़ते हैं तो हलंत में ई का आगम होता है, कहाँ होता है, तव्यत में हलंत में ई का आगम होता है, लगभग में, ठीक है। तो लिख का ले कर दिया गुणादेश, अब यहाँ पे हलंत आ गया तो इसमें जिस प्रकार से हमने कथकतुत्व में किया था उसी प्रकार करना है, हमें ई की मात्रा ले की और इसमें तव्यत कैसे रहता है, तव्य, ठीक है। तो इस प्रकार शब्द लेखितव्य, लेखितव्या, लेखितव्यम, पुलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ठीक है। अब इसका अनियर पूछ ले, क्या पूछ ले, लिख धन अनियर, तो क्या करना है, तो भी हमें लेखा करना है ले, और यहाँ पे इसमें अब ई की मात्रा नहीं लगेगी अनियर के साथ, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, लेख का लेख ही रखना है, अनियर कैसे रहता है, अनिय, तो अनियर का ए तो इसमें जुड़ गया, क्या पूरा हो गया, और अन्य यहाँ पे शेष रह गया लेखनी है, ठीक है। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना दोस्तों, कुछ बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, जैसे तव्य, तव्यत प्रत्यय है, ठीक है, और मातृच प्रत्यय है, इनमें जब अंत में ज आता है या च आता है तो इसके स्थान पे क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ठीक है। जहाँ पर भी ध आता है तव्यत आदि के साथ तो उस ध का क्या हो जाता है, द हो जाता है। जहाँ पर भी ये स आता है इन प्रत्ययों के साथ तो इस का सह हो जाता है, इससे का क्या हो जाता है, सह हो जाता है, ठीक है। तो ये बातें आपको साथ साथ में नोट करते जाना है, किन किन प्रत्ययों के साथ क्या क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, ज आ गया तव्यत के साथ, कहाँ आ गया, तव्यत के साथ यदि ज जोड़ते हैं तो ज का क्या होगा, क्या होगा, ज के स्थान पर क्या होगा, और उ का क्या हो जाएगा, उपदा में उ है तो उसका गुणादेश होगा, तो पहले इसका गुणादेश कर देते हैं भो, ठीक है। और ज का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दा, और तव्यत कैसे रहता है, वक्तव्य है, इस प्रकार से शब्द बनेगा। अब इसके यदि अनियर प्रत्यय जोड़ना है तो क्या करना है, हमें गुणादेश किया भो, अब अनियर के साथ जय का जय ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अनियर के साथ यदि, अब जैसे जय के साथ होता है, चय के साथ भी चय का क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, यदि चकारांत धातु होती है अंत में च हो और हमें तव्यत या त्रिच प्रत्यय आदि जोड़ने हैं तो चय का भी क्या होता है, जैसे पच धन तव्यत, ठीक है, तो इसका क्या होगा, पक्तव्य, क्या होगा, पक्तव्य, चय का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान देना है साथ साथ में। अब यहाँ पे देखिए अनियर जोड़ते हैं, अनियर तो भूखा कर दिया भो, गुणादेश जय का रहेगा जय, अभी तक आता ही है। अब अनियर का कैसे रहता है, अनियर रहता है तो इसमें ए जोड़ दिया, इसमें ज पूरा हो गया और भोजनीय है। अब देख लेते हैं पट धातु, ठीक है, पट में यदि तव्य जोड़ना है तो क्या होगा, पठितव्य, ठीक है, इसमें गुणादेश तो करना नहीं है, अंत में हलंत आ गई, मतलब हल आ गई, व्यंजन आ गया, ई की मात्रा लगानी है और पठितव्य। अन्य जोड़ना है तो जाएगा में पठनीय, इसमें ई की मात्रा नहीं लगेगी अन्य के साथ, ठीक है, यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रत्यय में दोस्तों बहुत सी धातुएं ऐसी होती है जिनके साथ कुछ विशेष नियम लगते हैं, तो वो आपको किताब से तैयार करनी है साथ साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दृष्ट दिश आ गया, तो हमें पता है इस सह का क्या होना है, षटकोण वाला सह होना है। तो जैसे षटकोण वाला सह केवल तव्यत प्रत्यय के साथ ही होगा, कहाँ पे होगा, तव्यत प्रत्यय के साथ, अनियर के साथ नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे हम जोड़ते हैं दृष्टव्य दृष्ट दंत तव्यत, तो इस रीका तो जाएगा अर, उपदा में करना है गुणे, तो देखिए ये द्री है तो इस द में रीका तो कर दिया अर, रीका क्या कर दिया अर, और आगे क्या है स प्लस तव्य, ठीक है, यही है। तो इस अर को यदि द में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, द्र बन जाएगा, इस प्रकार से र नीचे आ जाएगा, और ये जो स है तव्य जोड़ने पर हमेशा क्या हो जाता है, ये स हो जाता है। अब दोस्तों हमने उच्चारण स्थान में पढ़ा था, ये जब स होता है व्यंजन संधि में पढ़ा था, तो इस त का क्या हो जाएगा, ट, इष्टु न इष्टु सूत्र से, ठीक है, तो दृष्टव्य तक क्या हो जाएगा, ट, इष्टु न इष्टु सूत्र से तव्यत का तव्य हो जाएगा, दृष्टव्य दृष्टव्य दृष्टव्यम। और इसके साथ यदि
अन्यर प्रत्यय जोड़ने हैं, दृश्य के दक्षिण के साथ क्या जोड़ने हैं, अन्यर प्रत्यय जोड़ने हैं, तो क्या होगा वो देख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द बनता है इनसे, दृश्य दन अन्यर। तो हमें री का तो जोड़ देना है अर, तो द पूरा हो गया और दर्शनीय, री का क्या कर दिया हमने अर कर दिया, तो ए तो इसमें और रह ऊपर, ठीक है, तो दर्शनीय हो जाएगा, दर्शनीय दर्शनीय दर्शनीयम, इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पे देखिए छिद्र धातु लेते हैं, छिद्र धातु जब हम लेते हैं तो इकारांत का क्या होना है, गुणादेश होना है, तो छः कर दिया। अब जो आगे यदि हम छिद के साथ हम क्या जोड़ते हैं, पहले ये देख लेते हैं, छिद के साथ हम तव्यत जोड़ रहे हैं, तव्यत प्रत्यय जोड़ रहे हैं, तो क्या होगा, छिका कर दिया छः, ठीक है। अब दय है और आगे तय है, तो चरत्व संधि के आधार पर यदि दय तीसरे के सामने पहला आ गया तो इस पहले तीसरे का भी क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, तो इस दय का भी क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा, छेतन तव्यत के कैसे से रहा तव्य, तो इसको मिलाने पर क्या होगा, छेतव्य, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर अनियर जोड़े, कौन सा पढ़ते, अनियर जोड़े, तो क्या होगा, छिका कर दिया छे, अनियर के कैसे रहता है अनिय, तो द में अ जोड़ दिया, द पूरा हो गया और छेदनीय, इस प्रकार से हो जाएगा आपका तव्यत और अनियर प्रत्यय। एक छोटा सा नियम तव्यत और अनियर प्रत्यय का, वो आपको ध्यान रखना है, यदि तव्यत प्रत्यय पूछे, कौन सा प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, और यदि धातु मकरांत हो, मतलब यदि धातु कौन सी हो, मकरांत मतलब अंत में कौन सी क्या हो उसके, मैं हो, तो हमें क्या करना है, उस मैं के स्थान पर क्या करना है, मैं का में न कर देना है, ठीक है, मैं के स्थान पर केवल न करना है, और उसके बाद जो शेष रहता है वो जोड़ना है, ठीक है, केवल तव्यत के साथ, अनियर में कुछ भी नहीं करना, जैसा है उसके साथ जो शेष रहता है अनियर का अनिय वो जोड़ना है, ठीक है। तो गम का यदि हम तव्यत पूछे, गम प्लस तव्यत, तो क्या करना है, गय का गय लिखा, मैं के स्थान पर किया नय, और तव्यत के कैसे रहता है गंतव्य, और यदि हमें अनिर जोड़ना है तो कुछ भी नहीं करना, गय मैं, ठीक है, और अनिर के कैसे रहते हैं अनी है, इसको जोड़ने पर क्या हो जाएगा, मैं कर दिया ये ए मिलाकर पूरा, और हो जाएगा गमनीय, इस प्रकार से। इसी प्रकार नम धन तव्यत जोड़ पूछे तो हो जाएगा न, मैं क्या कर दिया न और नंतव्य, ठीक है, और उसका अनिर पूछे तो जाएगा नमनीय, इस प्रकार से हो जाएगा। रम का पूछे तो क्या हो जाएगा, रंतव्य है, और इसका क्या होगा, अभी रम मैं तो हो गया एम लेकर पूरा, अनिर का ए जुड़ गया तो रम मैं और पूरा हो गया। अब दोस्तों आगे रह आ गया, इसका मतलब क्या होगा, न का हो जाएगा हमारे न, रमणीय है, रमणीय रमणीय रमणीयम, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, यदि रह गया हो तो न का न करना है, और यदि तव्यत पूछे तो मैं का क्या करना है, न करना है, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। छोटे छोटे अंत में केवल ये तीन उदाहरण और देख लीजिए, जिसके रूप विशेष रूप से चलते हैं और परीक्षा में तीन बार पूछा गया है, वो ध्यान रखना। चुर धातु, इसके रूप चलते हैं चोरिये, जब हम धातु रूप पढ़ते हैं चोरियती चोरियते चोरियंती भवती भवत भवंती, तो इस प्रकार से रूप चलते हैं, धातु कौन सी होती है, भू धातु होती है, लेकिन रूप किसे चलते हैं, भवती भवत भवंती, तो इसके जब तव्यत और अनियर प्रत्यय जुड़ता है तो इसके रूप भी इसी प्रकार से चलने हैं। जैसे चुर धातु के हमने तव्यत प्रत्यय जोड़ना है, कौन सा प्रत्यय, तव्यत, तो हमें क्या करना है, चुर के तव्यत नहीं लगाना है, चोर ये है इसके तव्यत जोड़ना है। परीक्षा में ऐसे आएगा चुर धन तव्यत, तो हमें जोड़ना किसके है, चोर ये के जोड़ना है। अब कैसे, चुर अगर पूछे तो हमें क्या करना है, आपको चोर ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से रूप चलते हैं। अब अंत में आ गया हलंत, तो हलंत का हमने पढ़ा था कि इकागम हो जाता है चोर ही, और तव्यत के कैसे रहता है, चोरी तव्य, इस प्रकार से रूप बनेगा, विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसी प्रकार अन्य जोड़ना है तो ये क्या हो जाएगा, तव्यत की जगह केवल अन्य जोड़ना है, और होगा चोरी चोरियनीय, ठीक है, इसमें इकागम नहीं होगा, चोरियनीय होगा, चोरियनीय, तो इसमें अन्य जुड़ जाएगा। रूप आपको ये ध्यान रखना है, केवल रूप कैसे चलनी है, चोरी रूप चलनी है। कथ का रूप कैसे चलता है, कथियति, ठीक है, तो इसमें क थ, और इसमें तव्यत जोड़ना है तो कथितव्य, क्या होगा, कथितव्य, और अन्य जोड़ना है तो हो जाएगा हमारा कथनीय, क्या हो जाएगा, कथनीय, इस प्रकार से रूप बनेगा।
इसी प्रकार भूखा पूछे तो भाव रूप चलेगा, हो जाएगा इकारांत में इकागम हो जाएगा, भाव में क्या है हलंत है अंत में तो इ का जोड़ ई जोड़ देना इसमें भवी हो जाएगा, और तबियत के कैसे रहेगा तबियत, और उसका पूछे अनियत का तो हो जाएगा भवनीय, केवल अनिय जोड़ना है, इसमें इकागम नहीं होगा और इसमें इकागम हो जाएगा, ठीक है, ये तबियत के साथ। इस प्रकार से बात थी तबियत और अनियत, आशा करता हूँ समझ में आया। परीक्षा में इसी प्रकार के उदाहरण पूछने हैं, ज्यादा न तो हार्ड पूछेंगे न और जो विशेष जो शब्द बन रहे हैं वो भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना, ये जो विशेष शब्द बन रहे हैं यहाँ से प्रश्न बनने की ज्यादा संभावना हो जाती है, तो उनको आप अलग नोट करते जाना, और जो नियम है वो भी एक साथ नोट कर लेना हर प्रत्यय के। जैसे हमने पहले लिखा यदि आकरण धतु तो आकार जैसा है वैसा रखना है, केवल तबियत और अनिय जोड़ना है, ऐ करण तो ऐ का आकरण है और उसमें तबियत और अनिय जोड़ना है, इस प्रकार से वो साथ साथ एक एक लाइन में एक एक नियम लिखते जाना है। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में जो भी प्रत्यय बचे हैं नेत्र के पे जो भी, उन सभी की बात कर लेंगे। यहाँ पे एकदम इसी प्रकार से शॉर्ट में वीडियो और आपको आराम से सरल भाषा में बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जितने भी आप ग्रुप में जुड़े हैं, जितने भी आपके सदस्य हैं, दोस्त हैं, भाई बहन हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत उनको भाषा है तो उनको शेयर कर देना। और दोस्तों चैनल पर आप नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि हमारे सभी वीडियो की सूचना इससे आपके पास पहुँचती रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।